कारगिल विजय दिवस, रजत जयंती महोत्सव 2023-2024 की पार्टी के रूप में और गुरेज में युवाओं को खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाली वॉलीबॉल चैंपियनशिप बागतोर का शनिवार को यहां सीमावर्ती क्षेत्र बागतोरे गुरेज में समापन हुआ। फाइनल मैच में उत्तरी कश्मीर की बांदीपोरा जिले के खेल के मैदान बागतोरे गुरेज इलाके में भारतीय सेना और कंजालवान के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने अपनी अपार प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन कंजल ने बेहतर प्रदर्शन किया और फाइनल मैच जीत लिया। बागदोर और इसके आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों ने टूर्नामेंट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाग लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा विजेता टीम को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और 6,000 रुपए से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं के बीच खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना और दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को बाहर निकालने और अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट निकट भविष्य में भी आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि खेलकूद ही फिटनेस का सबसे अच्छा साधन है। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन से युवाओं के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सद्भावना पैदा होती है। अभी प्रतियोगिता में तृतीय आने वाली चुनती वाली टीम से मैं गुजारिश करूंगा इधर आए। हम इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कंजालवान बागतोर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया था, जिससे कि हमारे जो यूथ है यहाँ के, वो उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे यूथ यहाँ पर ज़्यादातर बेरोज़गारी में मुब्तला है, यहाँ पर कोई रोज़गार उनका ऐसा नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर उन्होंने टूर्नामेंट मुनक्किद करके हमारी हौसला अफजाई की है, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सरहदी खत्ते में जो ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट था वो लगाया था। बिलाखिर आज इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का जो है फाइनल खेला गया, जिसमें आर्मी की टीम थी और उसके साथ कंजलवन की टीम थी। बिलाखिर कंजलवन की टीम ने एक अच्छा खेल का मुजाहरा किया और ये फाइनल में जो है वो जीत लिया। ओवरऑल हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस सरहदी खत्ते में खेलकूद को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उन्होंने फाइनल का इनका किया और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट रही यहाँ पे, और आगे भी इंशाल्लाह ये उम्मीद करेंगे कि इससे जो क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है उससे अच्छा होने का ये करें।